जैसे ही सूरज उगला मैंने बोला ने हमें ये स्ट्रेटेजी बताई थी कि तू फटाफट सारे एग्स साइड में जमा करके रखो एंड जब लास्ट का जब 2-3 राउंड रहेगा आई हैव टू कलेक्ट ऑल द एग्स और वो एग शेल के अंदर डालना है। पल्लवी को पकड़ाना हमारी वन ऑफ द स्ट्रेटेजी थी कि मैं अंडे कलेक्ट करूंगी पल्लवी को पकड़ाऊंगी ताकि वो उसको आराम से रख सके। आकृति बहुत ही स्पीड से बहुत ही एजिलिटी के साथ फटाफट से अंडे निकाल रही होती है एंड तनु भी उसकी पूरी इसमें हेल्प कर रही होती है। चलिए मैं एक बार फोटोग्राफ देख लेता हूँ और कंफर्म कर लेते हैं कि इनको पिक्चर मिली कि नहीं मिली। प्रिंस की मिली पिक्चर। गाइस थोड़ा सा अवेयर रहो यार, खुला था। गाइस बहुत धीरे बंद कर रहे हो तुम लोग, बंद करो जल्दी, सबसे इम्पोर्टेंट है वो। शुरू होते ही फोटो क्लिक हो गई जिसके वजह से हमारे 6 पॉइंट कम हो जाएंगे और 1 गोल्डन एग और 1 व्हाइट एग चला जाएगा हमारे हाथ से। वेरी डिसअपॉइंटिंग मैन। नहीं मिली भैया को, नहीं मिली। प्रिंस को पिक्चर मिली है सो इसलिए प्रिंस की गैंग रिया की गैंग में से 1 गोल्डन एग और 1 व्हाइट एग निकाल कर रिया के गैंग के किसी को भी जिसको चुनेंगे आप उनके सर पे फोड़ोगे। फर्स्ट राउंड में ही प्रिंस सर ने फोटो खींचा तो आई वॉज वेरी 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 मच हैप्पी। प्रिंस सर हर बार कुछ भी करते वो फाड़ के रखते हैं परफॉर्मेंस। शिवी तुझे पता है किसकी फोड़नी है? 1 गोल्डन 1 व्हाइट ना। मैं तो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मुझे पता था कि जितने से मेरी दुश्मनी इनके सर पे अंडे फोड़ फोड़ के बहुत परेशान करने वाला था मैं। अरे अच्छी तरह फोड़ शिवित, चपाक से। हाँ थोड़ा खाएगा जान जाएगा समोसे और चटनी का भी मजा तुझे आएगा।